जब 35 टुकड़े हम लोगों को एक फ्रिज में मिले थे, तब भी मैंने सभी लड़कियों को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि इस चीज़ से हम लोगों को बचना चाहिए और दूर रहना चाहिए। और रही बात जो कल साहिल ने जिस तरीके से क्राइम किया है, मुझे इतना ही समझ में आता है। मैं तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते, महिला होने के नाते, एक बेटी की माँ होने के नाते, मेरा दुख इतना ही है कि इस देश में न्याय व्यवस्था हम कहाँ खड़े हैं। आज भी कोई ना कोई साहिल के बाजू में आके उसका पक्ष लेगा और उसे 7 साल 8 साल उस लड़की के परिवार को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, चप्पलें घसानी पड़ेंगी, तब जाके हमें न्याय की। कभी कैंडल मार्च निकलेंगे कि उसे न्याय मिलना चाहिए, कभी हम जैसे लोग बाहर निकलेंगे अपने विचार रखेंगे कि उसे न्याय मिलना चाहिए, पर न्याय मिलते मिलते भी हमारे देश में 7 से 10 साल लग जाएंगे। मेरा सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट थी और इतनी ही मांग है न्याय व्यवस्था को, जब ऐसे एविडेंस खुलेआम हमको दिख रहे हैं तो उसके बाद तारीख क्यों, उसके बाद कोई पक्ष लेने वाला उसके बाजू में खड़ा क्यों, उसे सीधी फांसी होनी चाहिए। 9 तारीख, नो डिबेट, नो पक्ष, नो विरोध, मेरी यही मांग रहेगी। और एक लोक प्रतिनिधि होने के नाते जब भी मैं, हमारे सेशन शुरू होगा तो मैं जाकर सबसे पहला मुद्दा यही रखूंगी, 35 टुकड़े हो या इस तरीके से बेरहमी में एरिया में रह के, लेन में रह के, गली में खुलेआम चाकू से इस तरीके से मार देना, मुझे नहीं लगता कोई इंसानियत की बहुत बड़ी निशानी है ये। जिहाद के मामलों को फिर से ये केस उजागर करता है, कहीं ना कहीं अलग से कानून लव जिहाद पर होता तो क्या इस केस को जल्द से जल्द निपटा जा सकता है, ऐसा लगता है? मुझे लगता है लव जिहाद से, मैंने सभी अपनी लड़कियों को पहले यही कहा था, अगर जितने भी केसेस पिछले कितने महीनों से या सालों से अगर हम देखते आए हैं, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत ही हमारी लड़कियों को आती है। मारा भी हमारी लड़कियों को जाता है, उन्हें रोड पे लाकर छोड़ा भी लड़कियों को जाता है, या शादी करके छोड़कर बच्चा भी रोड पे दे दिया जाता है। तो मुझे लगता है हमारी लड़कियों को भी कहीं ना कहीं अपनी विचार देखना बहुत ज़रूरी है, और ऐसी घटनाओं से आज तो हम लोगों ने कुछ सीखना चाहिए कि हमें भी इस चीज़ से बचना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो ऐसा क्राइम करता है, फिर वो कोई भी हो, उसके साथ में एक ही सजा उसे होनी चाहिए, वो फांसी की सजा। और ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि इस देश में अगर लड़की के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है या महिला के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है तो उसे सीधी फांसी होगी। 9 तारीख, नो डिबेट, नो बहस और नो कोर्ट। मैम, देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं और इस घटना को देखते हुए लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या पुलिस को भी इसको लेकर कुछ करना चाहिए? मैं वही कह रही हूँ कि इस तरीके के मेंटालिटी के लोग पर दुख वो भी बहुत होता है कि जब एक लड़की को खुलेआम मारा जा रहा था तो कई लोग उसके क्रॉस आस पास थे, तो दुख उस विषय का भी है। अगर 4 लड़कों ने, एक ही लड़के ने अगर कुछ भी एक्शन किया होता तो मुझे लगता है शायद वो लड़की को हम बचा सकते थे। आपने कहा कि पुलिस व्यवस्था हर जगह जिस तरीके से पुलिस अपनी ड्यूटी निभाती है उसमें कोई डाउट नहीं कर सकता। इस देश को सुरक्षित रखने वाले हमारी डिपार्टमेंट है, वो कहीं की भी पुलिस हो। दिल्ली में ज़्यादा क्राइम है, यूपी में था वो 80% ख़त्म कर दिया गया, तो मुझे लगता है हर राज्यों ने भी, जो मुख्यमंत्री जिस तरीके से यूपी में काम करे उसी तरीके से हर राज्यों में, अगर उस मुखिया ने काम किया तो हर राज्य में वो क्राइम की परसेंटेज कम हो सकते हैं। पर दिल्ली में जिस तरीके से भी ये घटनाएँ हो रही हैं, मेरी न्याय से गुहार ज़रूर रहेगी एज ए मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट कि ऐसी घटनाओं के लिए 35 टुकड़े जो हुए थे उनके एविडेंस ढूंढे जा रहे हैं, जब क्रिमिनल ने खुद बोला है कि मैंने मारा है, मैंने किया है, उसके बाद भी हम एविडेंस ढूंढ रहे हैं। पर ऐसी घटनाएं जो सीसीटीवी कैमरे में खुद कह दें, तो इस घटनाओं को लेके एविडेंस ढूंढने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए हम लोगों को। शिवसेना उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि नहीं, कोर्ट ने फिर से तारीख दी है 19 जून की, तो फिर हम आएंगे क्योंकि कोर्ट का आदेश तो हम मानते ही, सभी लोग मानते हैं देश में रहने वाले, तो हम तो लोक प्रतिनिधि हैं, हम तो सबसे ज्यादा उनके आदेशों पे चलने वाले लोग हैं। रवि जी क्यों नहीं आ पाए? ओके, सपने तो कोई भी देख सकते हैं सर, सपनों के लिए कोई किसी को कुछ देना नहीं पड़ता, और उद्धव ठाकरे जी तो दिन में सपने देख रहे हैं, तो उसको तो कोई हकीकत में बदलना कोई बदल नहीं सकता। सकाल का कुछ सर्वे आया जिसकी चर्चा हो रही है, महाविकास आघाड़ी का अपर हैंड महाराष्ट्र में दिख रहा है, आपका गणित क्या कहता है? अगर कुछ ऊपर नीचे होता भी है तो समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती भी हैं। पिछली बार जब 2-3 राज्यों में पूरी सीटें चले गई थी तो तूफान के जैसा, सुनामी जैसे फिर
2019 में मोदी जी आए थे। तो ये कैलकुलेशन सबने याद रखना चाहिए कि ऊपर मोदी जी हैं तो उस हिसाब से ही सब इलेक्शंस होंगे। धन्यवाद, थैंक यू।